आइए दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं मशीन को क्लीन कैसे किया जाता है। तो इसकी हम शाई रिमूव करने वाले हैं विदाउट मशीन से। रूले को जो हैं रोलर इनके, हम इसको रिमूव नहीं करेंगे और यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। मशीन में छुरी भी नहीं लगाई जाती है, मशीन में जो इक्विपमेंट आता है वो हम यूज़ में नहीं ले रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं, मशीन बिल्कुल क्लीन है। अभी जो इंक इस पर है जो लगी हुई, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। और ये एबिडिक मशीन है, ये देखिए, इसे एबिडिक मशीन में बोला जाता है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है 9910XES। तो इन मशीनों में ज़्यादातर क्या दिक्कत आती है कि ज़्यादातर लोग जो हैं इसको पूरा यहाँ से इसको रिमूव करते हैं इस तरीके से। जैसे ये इसको यहाँ से हटा देंगे, जैसे इस तरीके से हटाते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और ये सब रिमूव करके फिर वापस इंस्टॉल इसमें करते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको काफ़ी दिक्कत आती है। इसकी वजह से आपकी मशीन की रूले की सेटिंग चेंज हो जाती है, इंक प्रॉपर नहीं आ पाती है, प्रिंटिंग में दिक्कत आती है। तो उसका जो आसान तरीका है, हम इसे 5 मिनट में क्लीन कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मशीन के लिए आपको मशीन को ऑफ मोड में कन्वर्ट कर देनी है, यानी कि यहाँ से सब कुछ हमने बंद कर दिया है और यहाँ से जो हमने इसके मास्टर होता है वो हटा दिए हैं, पेपर हटा वगैरह हटा दिया है, यहाँ से हमने ब्लैंकेट रिमूव कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो अब हम इसे इंक को क्लीन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो वाटर टैंक है इसका, सबसे पहले आपकी मशीन में हो सकता पाइप हो या नहीं हो, तो सबसे पहले इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वाटर टैंक को खाली करने के बाद में आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा हम क्लीन कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से वाटर टैंक को खाली करने के बाद में आपको क्या करना है, इसे यहाँ से टैंक को रिमूव करेंगे इस तरीके से। हम इसको यहाँ से हटा देंगे। आपको क्या करना है, मशीन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मशीन स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपको आगे फर्स्ट गियर लगाना है। इसके बाद हम मशीन को थोड़ा सा रन करेंगे और रूले के जो होते हैं इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे इस तरीके से। ये हमने रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें ऑयल काम में लेंगे, केमिकल जो होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा केरोसिन लगाना है इस तरीके से। ये लगाने के बाद में क्या होगा, थोड़ा सा आपको इसको रन करना है मशीन को, ये अपना आप ऑटो क्लीन होगा। और हम इसमें हल्की सी स्पीड को बढ़ा देंगे इस तरीके से। इसके बाद में आपको एक क्या लेना है, कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद में कपड़े को इस तरीके से राउंड करेंगे, बिल्कुल इसे गोल बना देंगे इस तरीके से, और पीछे से बिल्कुल टाइट पकड़ लेंगे। टाइट पकड़ने के बाद में क्या होगा, ये आपके हाथ से स्लिप नहीं होना चाहिए, वरना ये स्लिप हो जाएगा तो कपड़ा जो है रूलों के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से टाइट पकड़ने के बाद में इसे इस तरीके से आपको क्लीन करना है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless. ये देखिए दोस्तों अपना आप ही क्लीन हो रहा है। हमने इसमें और थोड़ा सा केमिकल लगा दिया, केरोसिन वगैरह जो होता है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा साफ करते रहना है कपड़े से। धीरे धीरे क्या होगा, अपना आप इंक जो है आपकी रिमूव हो जाएगी यहाँ से। ये देखिए अच्छे से कितना क्लीन हो रहा है, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी आपकी, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी आपको इसमें इंक वगैरह यूज़ नहीं होगी जो कहीं पे रह गया हो, कुछ रह गया हो। ये देखिए दोस्तों आप कितने अच्छे से मशीन क्लीन हुआ हमारा, कहीं भी इस पर इंक वगैरह नहीं है। ये देखिए आप सारे रोलर नीचे के भी हैं, इसे भी चेक कर सकते हैं आराम से। और यदि कुछ थोड़ा सा रह जाता है दोस्तों, इसमें आप मशीन को ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद में जो सप्लाई वाला, जो इंक सप्लाई वाला जो रोलर होता है, उसे आप हाथ से थोड़ा थोड़ा मशीन को रनिंग करके धीरे धीरे घुमा के इसे इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मशीन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही हो, मशीन प्रिंटिंग में जो प्रिंटिंग करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा हमारा आपको चैनल लगा, क्या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी।